हेलो एंड वेलकम टू आर न्यू सीरीज बैटलफील्ड 1 और एक्चुअली बैटलफील्ड 5 जो है वो हम ऑलरेडी इस चैनल पे खेल चुके हैं और सेम वही स्टोरी को प्रेजेंट करने का तरीका वार स्टोरीज के थ्रू हमें देखने को मिलेगा इस गेम में भी, बट फर्क ये है कि इस बार हम लोग वर्ल्ड वार 2 की जगह वर्ल्ड वार 1 के जो इवेंट्स थे उनको उन वार स्टोरीज में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं अपना प्रोलॉग। और अगेन जिस तरह हमने बैटलफील्ड 5 मैक्सिमम डिफिकल्टी पे खेली थी तो इस बार भी हम लोग उसी चीज को लेके चलेंगे। ऑलराइट, तो इस बार भी एक तरह से म्यूजिकल इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है जैसे लास्ट टाइम होता, बट बैटलफील्ड 5 में जो म्यूजिक था वो जरा सैड सा था। Alright. क्या चल रहा है, किसी हॉस्पिटल में लग रहा है ये? जो चीज चल रही है और उसके पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक देखो, क्या कंट्रास्ट है दोनों में। ओके, बच्चे में दम तो है। ओके, द ब्लडी वार। या 100 साल से ऊपर हो चुका है। 2018 में जंग को खत्म हुए 100 साल कंप्लीट हुए थे। Yeah, it ended in nothing. वार शुरू हुई थी कि वायलेंस को खत्म कर देंगे, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। Okay, we are not expected to survive. Alright, हमने तो डिफिकल्टी भी जो है वो मैक्सिमम वाली चूज की है, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे भाई? We're surrounded! We have to hold this line! Okay, sir. We have to hold this line, huh? All right. मुझे कवर में रहना चाहिए। या ये काफी बेहतर पोजीशन है। Shoot weapon, huh? Okay. I am shooting, bro. I am shooting. तीन मतलब मार लिए। Okay. Reloading. Oh, great. Wait a second. I'm back. Okay, 5 मार लिए। I am leading my squad with 5 kills. Okay, ये बंदा invincible था कुछ देर के लिए। Oops. Oh, sorry. Don't kill me. Oops. What the fuck, man? I'm sorry, but मेरी गेम अजीब हरकतें कर रही थी, या शायद मैं अजीब हरकतें कर रहा था और मैं ब्लेम डाल रहा हूँ गेम पर, बट वट एवर। ओके, ये स्लो मोशन काफी हेल्प कर रही है। ओके, रिलोड एंड बैक इनटू एक्शन। वी नीड टू मेक श्योर दैट ही वाज डेड। ओके, नाइस हेडशॉट मैन, नाइस हेडशॉट। ओके, मिस। ये बंदा, व्हाट द हेल वाज दैट? मैं भी ग्रेनेड फेंकूंगा, बहुत हो गया मजाक। ओके, मुझे गन चेंज करनी चाहिए। ओके, ये फ्लेम थ्रोअर है। नो, मैं नहीं डील कर रहा इससे। गेट लॉस्ट। ऊपसिकू, एम आई डाइंग? वेल, मैं मरने वाला था लेकिन
Oops. Oh shit. And I'm dead. Jack Roberts. We came from all over the world. So many of us thinking this war would be our rite of passage, our great adventure. Let me tell you, it was no adventure. Not the way. Okay. Oh shit. Die. He can. He's dead. And he's too. Okay, right side pe. He can. Oh, right side pe. Ab aam ikatthi ho chuki hai. Almost miss kar diya tha maine ise. Oh, hello. Tu kidhar ja raha hai bhai? Break laga le yahi par. What the hell was that? Yes. Shorty hai to shorty ke liye hame close range jana padega. Okay, kuch zyada hi close chala gaya main. Ye nahi karna tha. Oh shit. New killing machines like the tank changed the shape of the war overnight. Luckily, they were mostly on our side. Mostly. Yeah, mostly, but sare nahi. Aur us time ke jo tank the wo bhi kuch mammoth ke size ke the. Dekh rahe ho size. Lagta jaise mammoth jo hai wo chal raha hai battlefield mein. Okay, so machine gun hai aur main weapon hai. So main sirf jo hai wo guns control kar raha hu. All right. They're moving in from the trenches. Lovely. Use that machine gun. Mow them down. Barbaad karke rakh diya. Nice. We've got them on the run. I am in love with this machine gun. Sorry, but I'm dialogue ke darmiyan pe bol raha hu. Yeah, for the king and the country. Okay, yahan par mere khayal koi cannon hai. Oh. Okay, मैंने गोला फायर कर दिया अपने टैंक के इतने करीब. ओह ये जर्मन्स हैं. मैंने मैंने सोचा अपनी अपनी आर्मी है. ओह ओके तो फील्ड गन्स का ध्यान रखना पड़ेगा हमें. वो हमारे टैंक को बर्बाद कर सकती हैं. All right. Yeah, field gun. Nice. Okay. So. अब क्या करना? Okay, मिस दस हमने move करना actually. Stay focused, man. Nice. चलो, लग गया. Oh. Okay. ये critical hit थी हमारे लिए. वाओ लग गया जरा. व्हाट ओ ओ फ्रेड अर्नेस्ट हैज डाइड इन अ टैंक. एडवेंचर वी फाउंड फियर एंड इन वॉर द ओनली ट्रू इक्वलाइजर इज डेथ. ऑल राइट तो इन विसल्स का मतलब है कि इन्फेंट्री ने चार्ज करना है. अब तो गैस मास्क की वजह से हम लोग ओके. मैं बोलने वाला था एम डाउन द साइट नहीं कर पा रहे बट हम मर चुके हैं. लवली अबे यार मुझे सुकून से खेलना चाहिए. मैं क्या चौगे में भागता फिर रहा हूँ बैटल फील्ड के अंदर. और हम हाई डिफिकल्टी पे खेल रहे हैं भाई. रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी हमें इस डिफिकल्टी की वरना गेम बहुत मारेगी हमें. ओके शॉट्स मिस नहीं करने चाहिए मुझे.
Nice. Lovely. ये जगह अच्छी लग रही है मुझे. जरा सेफ है. What the hell was that? All right. ये कुछ अच्छे शॉट्स थी. अबे फ्लेम थ्रोअर. और यहाँ पे भी कोई है. What the hell was that? मुझे आग लगी थी. वाओ, मुझे उठा के फिर पीछे मार दिया था. What? अबे क्या है? हेलो. अदे यार, ऐसे थोड़ी होता है. पहले तो इसे मारे ना यार. ओके, ये गया. ठहर जा, हम भी बात करते हैं. ओके. अबे रुक जाओ सालो, दो सेकंड का मुझे कोई सुकून दे दो. बहुत ज्यादा शॉट्स मिस कर रहा हूं मैं. एंड अगेन आई एम डेड. व्हाट द हेल मैन. ठीक है, मेरे ख्याल से बोल्ट एक्शन राइफल ही सही रहेगी. वाओ. व्हाट? ओह. ओके. मतलब बाकी सब चीज़ें कम थी. आर्टिलरी शॉट्स मतलब उनकी जगह बाकी थी अभी. ओके, तो आई गेस वी आर अलाइव. और ये बंदा भी. They push. We push. Oh, ये सीन. Every once in a while, we push hard enough that the light breaks through the cloud. It's in a world beyond the war glimmers. Just out of reach. Yeah, ये तो भाई काफी है भाई. The war is the world. And the world is the war. But behind every gun sight is a human being. Bilkul. We are those people. We are the jaded. We are the naive. We are the honorable. And the criminal. We are the bound for legend. And the lost to history. We are the knights of the sky. The ghosts in the desert. And the rats in the mud. These are our stories. Oh boy. This is awesome. This is awesome. तो क्या प्रोलॉग एंड हो चुका है हमारा? लग रहा है ऐसा. ओके. भाई लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने प्रोलॉग खेला था तब भी चिल्स आ रही थी और एक्साइटमेंट जो है वो एकदम से बढ़ रही थी. और इस बार भी सेम फीलिंग्स हैं. और ये होगी हमारी पहली बार स्टोरी थ्रू मड एंड ब्लड. और इसमें हम लोग ब्रिटिश मार्क 5 टैंक उससे खेल रहे होंगे. ओके, तो मतलब बैटलफील्ड 5 में हमारी लास्ट वार स्टोरी थी जिसके अंदर हम एक टाइगर टैंक से खेल रहे थे. और वो एक कमाल की कैंपेन थी, एक तरह से मतलब 3 मिशन की कैंपेन थी. और मुझे लग रहा है कि सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी. तो आई एम सो एक्साइटेड. और मुझे बताइएगा कि आप लोग मतलब क्या व्यूज़ हैं या क्या सजेशंस हैं या क्या लग रहा है इस सीरीज़ के हवाले से. और मैं मिलूँगा आप नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से. तब तक के लिए बाय बाय.